सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार नई वीडियो में फिर से। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सामने जो देख रहे हैं यारामन ब्रिज या रामन फ्लाईओवर कह लीजिए, आपको फ्लाईओवर कहना चाहिए क्योंकि नीचे से ना यहाँ से नीचे से मात्रा वाला रोड जाता है। और ये सामने देख सकते हैं जो कि बिल्कुल रेडी है, फाइनल वर्क चल रहा है और ये नवंबर मतलब इसी में मंथ में फर्स्ट वीक में तैयार हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं बस इसी वीक में तैयार हो जाएगा। लास्ट वीक भी आपने इसकी वीडियो देखी होगी जब मैंने दिखाया था कि ब्लैक टॉपिंग हो रही थी फ्लाईओवर के ऊपर से। ब्लैक टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, खाली जो पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए दीवार दी जाती है वो दी जा रही है और साथ में पेंट वर्क हो रहा है। बाकी आप फ्लाईओवर देख सकते हैं पूरा का पूरा तैयार है, मतलब सिंगल लेन तो पहले से रेडी थी, अब दूसरी लेन भी तैयार होने वाली है। बाकी ये देख सकते हैं ये रामन वाला जो रोड है जो कि पहले हाईवे का हिस्सा था, अब इसको हाईवे नहीं कहेंगे हम। और जब से ये हाईवे से हट चुका है तब से इसकी हालत भी खस्ता हो चुकी है। ये देख सकते हैं एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड से दीवार दी जा रही है सेफ्टी वॉल टाइप, उसके बाद यहाँ पे पूरे में ब्लैक टॉपिंग की जाएगी फिर से, क्योंकि जो पहले वाली ब्लैक टॉपिंग थी ना वो उखाड़ दी गई थी। और साथ में आप फ्लाईओवर भी देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, तो फ्लाईओवर पर प्रॉपर ब्लॉक तो आ चुका है और जल्दी सेकंड वाली लेन भी ओपन हो जाएगी। एक लेन तो चालू है, दूसरी लेन भी ओपन हो जाएगी। एक लेन जो है ना वो अमरनाथ यात्रा के लिए ओपन की गई थी, आप सभी को पता ही होगा जितने भी मेरे भाई यूपीरी वीडियोस देखते हैं या जो बाकी ब्लॉगर्स अपडेट देते हैं तो उनका आपको पता ही होगा। तो गाइस चलते हैं और मेरे सामने देख रहे हैं आप जा रही बनिहाल की मेटाडोर, तो चलते हैं इसके साथ साथ में देखते हैं हम भी बनिहाल पहुँचते हैं, आए कहाँ पहुँचते हैं। तो चलते हैं आगे गाइस, बाकी रोड की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। तो गाइस ये देख सकते हैं रोड की हालत, जो कि रामन वाला रोड है जो कि पहले हाईवे हुआ करता था बट अभी हाईवे का हिस्सा नहीं है क्योंकि जब से अमरनाथ यात्रा के लिए फ्लाईओवर रेडी किया गया तो हाईवे वहीं से कहेंगे। ये देख लो भाई साहब, एक्चुअली में पानी यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो रहा था, ये जो पुरानी वाली ब्लैक टॉपिंग थी, ये जो पुरानी वाली रोड थी उसको खाड़ा गया है एक दो फुट नीचे तक जाके, उसके बाद से इसका काम कुछ भी नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है। बाकी यहाँ पे रोड की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, मैं कितनी ज़्यादा बेइज्जती करूँ। चलते हैं आगे गाइस, तो गाइस ये देख सकते हैं रामन के भी ट्रैफिक वाली मार्केट से हम बाहर आ ही चुके हैं। वहाँ पे भी आज भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है क्योंकि अभी रोड का काम चल रहा है ना, जो अंदर वाला रामन टाउन वाला रोड है तो उसकी फिर से रिपेयरिंग का काम हो रहा है, तो उसका काम चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया था जो ऊपर वाली लेन है वो बंद है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बनिहाल यहाँ से कितने किलोमीटर है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वाइड एंगल है। बनिहाल यहाँ से 38 किलोमीटर रहने वाला है, अनंतनाग 76 किलोमीटर रहने वाला है, श्रीनगर 135 और गुलमर्ग 186, गुलमर्ग 186, सोनामर्ग आ जाता है 212 किलोमीटर, ले आ जाता है 549 किलोमीटर। तो अभी हमारा प्लान है बनिहाल तक जाने का, लेट्स सी। 38 किलोमीटर तो नहीं, मेरे को अभी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा रोड का काम बाकी है, क्योंकि अभी टनल्स वगैरह भी बनने बाकी हैं कुछ 40 कुछ होगा किलोमीटर, चल जो भी है। बाकी ऊपर वाली लेन यहाँ पे बंद है, क्यों बंद है मैंने आपको पहले लास्ट वीक जो व्लॉग्स आए थे मेरे उनमें मैंने आपको अच्छे से बताया था, यहाँ ऊपर देख सकते हैं स्लाइड वगैरह, तो उसकी वजह से बंद है ऊपर वाली लेन। बाकी नीचे वाली ओपन है, कहीं कहीं पे रोड अच्छा और कहीं कहीं पे रोड ख़राब आ जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, तो बीच में हमने व्लॉग्स डालना बंद कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने मैसेज किए, काफ़ी मोटिवेट करा फिर से कि व्लॉग्स वगैरह डालो। और आज हम सुबह, मेरा प्लान था कि अर्ली इन द मॉर्निंग निकले बट सुबह उठने का मन नहीं करता क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है, नवंबर आ चुके हैं अभी और काफ़ी भी ठंड बाकी है। बाकी यहाँ पे भी रामन में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है बट मेरे को लग रहा है कि अगर हम बनिहाल जाते हैं बनिहाल में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। तो गाइस मिलते हैं अब थोड़ा सा आगे, यहाँ ऊपर भी रोड का काम चल रहा है, पहाड़ी को स्टेबल कर रहे हैं। वहाँ ऊपर यह जाता है चंबा सेरी से पहले वाला एरिया, तो
फोर लेन जो रहने वाली है नहीं, ऊपर वाली साइड से जाने वाली है, तो फिलहाल तक जब तक अभी ऊपर वाला रोड रेडी नहीं हुआ तब तक यही नीचे से जाएंगी। तो इसी के साथ में गाइस आ जाता है अपना ये चंबा सेरी वाला ब्रिज, जिसको भी मैंने डिटेल में बताया आपको, और आपने मेरी डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लास्ट वीक जो मेरे ब्लॉग्स आए थे उनमें देख सकते हैं इस चंबा सेरी वाले ब्रिज की डिटेल वीडियो। तो चलते हैं आगे, बाकी इस ब्रिज की बात कर लूँ। गटर्स वगैरह बिछ चुके हैं, इस पर वायरिंग वगैरह हो रही है, शटरिंग वगैरह डल रही है, उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट वगैरह पड़ेगा, तो अभी इस पर थोड़ा बहुत काम अभी और बाकी है। तो यहाँ पे अभी थोड़े से एरिया में ताज़ा ब्लैक टॉपिंग पड़ी है, तो काफ़ी मज़ा आया कुछ मीटर्स तक चलने में। बाकी नीचे वाली लेन अभी भी फ़िलहाल बंद ही है, ऊपर वाली लेन से सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, जो जम्मू से श्रीनगर जा रही हैं वो भी ऊपर वाली से, और जो श्रीनगर से जम्मू आ रही हैं वो भी ऊपर वाली लेन से फ़िलहाल तक, क्योंकि नीचे वाली लेन पे अभी काम चल रहा है। अभी लेवलिंग वगैरह हो रही है और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक टॉपिंग के लिए, तो जब नीचे वाली रोड पे ब्लैक टॉपिंग वगैरह हो जाएगी फिर नीचे वाली लेन से गाड़ियाँ छोड़ देंगे। तो अभी फ़िलहाल गिरना, जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार समझाया, जैसे ये वाले टनल आ जाता है और जो आगे वाले टनल आ जाते हैं वो सब सिंगल ट्यूब वाले टनल हैं, तो अभी फ़िलहाल के तो हम सब इसी टनल में से जा रहे हैं, बट जब पूरा का पूरा रोड रेडी हो जाएगा ना तो गाड़ियां जो श्रीनगर से जम्मू के लिए आएंगी वो ही टनल में से आएंगी, बाकी उनको पुराना वाला रोड जिसको रिपेयर कर रहे हैं उसी में से जाना पड़ेगा। तो सिंगल ट्यूब टनल है, एक साइड से टनल रहेगा, एक साइड से पुराने वाले रोड को रिपेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर रोड भी ख़राब हो गई है काफ़ी ज़्यादा, ऊपर नीचे हो गई है, इसको भी फिर से तोड़ के लेवल में लाना पड़ेगा। तो बाकी ये देख सकते हैं टनल में लाइटिंग वगैरह का काम, तो ये पहला टनल आ गया जो अभी रामन से बनहाल जा रहे हैं। ऐसे तो कैफेटेरिया मिहाड़ वाले टनल का भी काम चल रहा है, वो भी एक टनल रहने वाला है, बट उस पर भी दो साल, कम से कम दो साल लग सकेंगे, लगने हैं दो साल, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। बाकी ये टनल देख सकते हैं काफ़ी पहले का ओपन है। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड में एक नए ब्रिज का काम चल रहा है, मैंने आपको वो भी दिखाया था पहले वाली लास्ट वीक वाली सीरीज़ में। तो ये देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं ये इस ब्रिज का काम चल रहा है। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीक वाले ब्लॉग नहीं देखे ना तो वो वाला देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बताया। तो ये जो नीचे वाली लेन है ना उसमें आपको घूम के आना पड़ेगा, और ऊपर वाली साइड से टनल ना नीचे वाली साइड से अभी रोड का काम चल रहा है, इसलिए नीचे वाली लेन अभी बंद रखी गई है। तो चलते हैं आगे, नीचे वाली लेन ओपन की गई है, वहाँ ऊपर से टनल जा रहा है, और वो टनल कहाँ पे निकलेगा मैंने आपको पहले लास्ट वीक वाले व्लॉग जो अभी कुछ दिन पहले आया था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताई है ये सब चीज़ें। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे वो वाली वीडियोस ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने के बाद। तो जो ऊपर वाली साइड वाला टनल है ये भी सिंगल ट्यूब टनल रहने वाला है, जिससे पहले आपको टनल दिखाया वो भी सिंगल ट्यूब टनल था, और जो अब इसके बाहर टनल आएगा वो भी सिंगल ट्यूब टनल रहेगा। तो इस टनल के साथ में जुड़ जाता है कट एंड कवर टनल, कैनोपी जिसको कहते हैं, तो वो भी आपको हम दिखा देंगे, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ओ ओ ओ भाई 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 साहब ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गया भाई ये। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कैनोपी कट एंड कवर टनल का काम चल रहा है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो डाली है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। ये देख सकते हैं कैनोपी कट एंड कवर टनल, और यहाँ से आगे सीधा एक टनल निकलता है सिंगल ट्यूब। तो अब आगे आने वाला मरोग टनल, तो मिलते हैं आपको मरोग टनल के पास। तो गाइस वो जो आपने क्रेन जैसी देखी ना, वो जो भाग रहा था काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, तो वो एक तवेरा को शायद से ठोक के भागा है, वो जो तवेरा वाला का साइड से बोनेट वगैरह टूटा हुआ था, तो मुझे लगता है उसको ही ठोक के भागा, और अभी वो तवेरा वाला ने मोड़ काट के गया, तभी वो इतनी तेज़ चल रहा था भाई साहब, मुझे लगा इतनी क्या एमरजेंसी होगी भाई, ऐसे तो एम्बुलेंस भी नहीं चलती है, बट अब मेरे को समझ आई, क्योंकि यहाँ पर एक तवेरा वाला था उसका साइड वाला बोनेट ना टूटा हुआ था, तो उसको ही मार के भागा वो, और वो उसने भी यू टर्न मारा है उसको पकड़ने के लिए। क्या यार क्या लोग हैं भाई साहब, इतनी बड़ी गाड़ी चल रहे हैं, चला रहे हैं, धीरे से चलो भाई।
तो गाइज अभी कुछ ही देर में आ जाएगा सामने अपना मरोग टनल, तो आप सब तैयार हैं? तो इस मरोग टनल पे भी डिटेल वीडियो डाल दी है, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है वो डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं, और उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में जानकारी दी है। वैसे वो इतना वो बड़ी साथ में सेफ्टी वॉल दी जा रही है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली, साथ में वो इतनी बड़ी क्रेन टाइप की थी, वो ठोक के भागेगा तो कितना ही दूर भागेगा, कुछ इस टाइप की थी, जैसे ये नहीं आ रहा है, बस 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 इसी टाइप का था, इससे भी बड़ा था वो, तो ज़्यादा दूर तो भागेगा नहीं तवेरा वाला, तो वापस चले गया, वो सब छोड़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक लेन ये रहने वाली है और एक लेन वो रहने वाली है, जब मुझे श्रीनगर जाएंगे तो नीचे वाली रोड से जाएंगे, आप श्रीनगर से जम्मू आएंगे तो टनल में से आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी लोग हैं वो सब टनल में से जाएंगे, नीचे वाली रोड में भी 5-6 महीने लग जाएंगे क्योंकि वहाँ पर उसको पूरा उखाड़ दिया गया है और उसकी फिर से कटिंग की जा रही है, और छोटे छोटे नए ब्रिज भी बनाए जाएंगे नीचे वाली लेन के लिए। बाकी ये देख सकते हैं रोड, गाइज ये रहने वाला है मरोग टनल, जो कि स्ट्रेट टनल नहीं है, कर्व है, कर्व इसमें आपको दिख रहा होगा, कर्व है भाई, मोड़ा, और इसी के बाद आ जाएगा आपको जो डिगड्योल टनल की, जहाँ पे निकलने वाले हैं ना डिगड्योल टनल, तो वहाँ पे वहाँ से शुरू होगा डिगड्योल नाले से, और यहाँ पे कहाँ पे निकलेगा वो मैं आपको दिखाऊँगा इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे, यहीं पर कुछ ही एक दो मोड़ आगे दिख जाएगा, देखने को मिलेगा आपको कि डिगड्योल टनल कहाँ पर निकलने वाले, और इस हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट भी दिखाएंगे आपको। तो ये वही मैं बात कर रहा था, एक लेन तो नीचे से रहेगी, एक लेन तो ये रहेगी, ये देख सकते हैं। यहीं से ऊपर देख रहे हैं ये जो काम चल रहा है ना, ये वही चल रहा है जहाँ पे डिगड्योल टनल का इस वाली साइड से स्टार्टिंग पॉइंट निकलेगा। ओ भाई डस्ट देख लो, तो गाइज यहाँ ऊपर देख सकते हैं, वहाँ ऊपर निकलेगा डिगड्योल टनल के दूसरी वाली साइड, यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंजीनियर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो डाली थी, आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो देख सकते हैं। बाकी इस वाली साइड से अभी काम सही अच्छे से शुरू नहीं हुआ है टनल का, जैसा उस वाली साइड शुरू हुआ, तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी, यहाँ पर भी देख रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अभी पहले पहाड़ी को स्टेबल कर रहे हैं, और वैसे तो डिगड्योल वाले टनल का ना उसी वाली साइड से काम चल रहा है, तो वो भी हम आपको दिखाएँगे। तो बाकी जब टनल हो जाएगा इधर पहाड़ी के अंदर से, तो ये वाला सारा गंदा वाला रोड स्किप हो जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा। चलते हैं आगे, तरनाक वाला रोड देख रहे हैं ना, ये सब स्किप हो जाएगा, और स्किप कैसे होगा, स्किप हो जाएगा जो टनल मैंने आपको उस साइड वाला दिखाया, जो मैंने बताया कि आपको डिगड्योल टनल का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इतना खतरनाक वाला पोर्शन ना स्किप होने वाला है सब, ये एक्सीडेंट वाला, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है सारा का सारा। ये देख सकते हैं गाइस, पोल भी नीचे हो गया, इसके साथ भी हो सकता है कोई गाड़ी वाड़ी बजी हो, यहाँ पर पत्थर वगैरह भी चलता रहता है, तो ये वाला टनल ना जो डिगड्योल टनल बनेगा ना, ये सबसे मस्त रहने वाला है और सबसे ज़रूरी टनल रहने वाला है। इतना ज़्यादा एरिया स्किप होगा और सीधा डिगड्योल नाले में निकलोगे आप, ये खतरनाक वाले मोड़ देख के, ये देख सकते हैं इतनी चढ़ाई है ना, ट्रक भी नहीं चढ़ सकते हैं, ये देखो नीचे इतनी बड़ी खाई है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पे रुकना भी इतना ज़्यादा रिस्की है ना, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते हैं और नीचे तो पूरी खाई है भाई साहब। तो ये खतरनाक वाला पोर्शन स्किप करेंगे डिगड्योल टनल, जिनका काम अभी कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है, सोच सकते हैं आप इतनी खतरनाक खाई है ना भाई साहब, बता भी नहीं सकता पूरी, थोड़ी सी ये देख सकते हैं यहाँ पे भी पत्थर वगैरह आते, और यहाँ से नीचे
दिखाता हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ से नीचे इतनी खतरनाक खाई है, कैमरे में नहीं पता लगता भाई, आंखों से देख के पता लगता है। तो आप सोच सकते हैं ये वाला खतरनाक वाला पोर्शन जो है वो डिगडोल वाले टनल जो है स्किप करेंगे। और सामने क्या प्यारे माउंटेन्स भी देखने को मिल रहे हैं आपको। तो गाइस जैसा मैंने आपको पहले बताया और अब फिर से बता देता हूँ, ये जितना भी पोर्शन है ना ये सब स्किप होने वाला है और जो डिगडोल टनल बनने वाला है जो कि डिगडोल नाला से निकलता है और मरोग टनल के एक दो मोड़ आगे कुछ मीटर्स आगे आने तक वहाँ तक निकलता है। तो जितना भी ये वाला पोर्शन है ना सब स्किप होने वाला है। जब हम पहले पहले आते थे हम सोचते थे यार यहाँ पे तो फोर लेन का काम चल ही नहीं रहा, एक ऊपर से रोड दिख रही है बट अब उतना तो काम हो नहीं रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब एरिया टनल में स्किप हो जाएगा, वहीं पर बात करेंगे टनल को कितना टाइम लगेगा, उस टनल को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लगभग 3 साल मेरे को लगता है लग जाएंगे। वहाँ नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ नीचे आ जाता है डिगडोल विलेज और इस मोड़ के आगे आ जाएगा डिगडोल नाला। तो यहाँ पे आपको टनल से टनल्स देखने को मिलेंगे, दो ट्यूब्स तो आपको देखने को मिलेंगे जिनका नया काम शुरू है जो कि निकलती है डिगडोल वाली साइड, और साथ में दो ट्यूब्स देखने को मिलेगी जो कि निकलेगी पेंठ्याल खूनी नाला वाली साइड। तो यहाँ पर हम डालेंगे रुक के एक डिटेल से वीडियो, तो वो वीडियो आप इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब कर दीजिए।